ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 6 सलमान खान. यस, अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवर नंबर 9 एंड कंडक्टर नंबर 6. कितने लोग बोलते हैं कि हमारी कितनी मदद की है, और कितने लोग बोलते हैं कि बर्बाद करके रख दिया. क्या है सच? ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 6 का कैसे हैं ये लोग? बनाने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, या बिगाड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं? देखते हैं इस वीडियो में. हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट. और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 6 होता है. तो कैसे होते हैं ये लोग, उससे पहले ये जान लेते हैं कौन होते हैं ये लोग. तो जो भी लोग किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, वो ड्राइवर नंबर 9 से रूल होते हैं. और अगर किसी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 6 आए, तो इसका मतलब है कंडक्टर नंबर 6 है. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी का बर्थडे 27 जुलाई 1988 को आता है, तो अगर इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दें तो क्या आएगा? ड्राइवर नंबर 9, क्योंकि 27 है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया तो कंडक्टर नंबर क्या आ गया? 6. तो यहां पर देखते हैं ड्राइवर नंबर 9 और कंडक्टर नंबर 6 वाले लोग कैसे होते हैं. सबसे पहले तो 9 नंबर, मंगल का, एक्सेसिव एनर्जी, हद से ज्यादा अग्रेशन, अग्रेसिव लोग, एनर्जी बहुत ज्यादा है. और 6, चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग है, लग्जरी चाहते हैं लाइफ में, हर टाइम, हर मतलब हर तरफ लग्जरी 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 लग्जरी, ब्रांड फ्रीक, ब्रांड्स के लिए अग्रेसिव, ऐसे लोग होते हैं 9 और 6 वाले. इनको हर तरह का सुख चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मतलब बहुत शो ऑफ, बहुत ज्यादा शो ऑफ चाहिए. तो अगर लड़के हैं तो बहुत सारी लड़कियां, अगर लड़कियां हैं तो बहुत सारे लड़के. नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब इनका इंटरेस्ट होता है, इनको वो कितना जो भी चीज लग्जरी की है वो इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. और 9 नंबर हैं तो वो उस चीज के लिए बहुत 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 एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिवली हर उस चीज को, हर लग्जरी की चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत चार्मिंग होते हैं. 9 नंबर आग और 6 नंबर शुक्र. जब बेसिकली लग्जरी मिल गया, जब 6 नंबर मिल गया 9 से, ऐसे लोग सक्सेस के लिए मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा नंबर है. अगर हम मटेरियल सक्सेस के बारे में बात करें तो ये बहुत गजब का और बहुत शानदार नंबर है 9 और 6. ऐसे लोगों को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत पैसा बड़े आराम से मिलता है. अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो इनको कोई भी मटीरियल चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है इनके पास. ऑल दो मेहनती होते हैं, क्योंकि 9 नंबर है तो मेहनती होते हैं, लेकिन 6 नंबर है तो इसकी वजह से उस मेहनत का प्रॉपर श्रेय भी मिलता है, इनको प्रॉपर क्रेडिट भी मिलता है, जो करेंगे उसका क्रेडिट भी आपको नहीं लेने देंगे. जैसे 9 नंबर वालों के साथ अक्सर क्या होता है कि काम बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता, लेकिन नहीं, यहां पर 9 और 6 होने की वजह से जितना काम करते हैं उतना क्रेडिट भी खाते हैं. बहुत गजब के स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, बात बहुत जबरदस्त करते हैं, ऐसे बात करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अमेजिंग होती है, ऐसे लोगों को देखते ही बनता है. मतलब अगर पर्सनालिटी की कभी भी बात करती हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पर्सनालिटी. सर से लेकर पांव तक बंदा कैसा होगा, उसके बोलने का तरीका, उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, उसके मैनर्स, उसके स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग्स काउंट टू देयर पर्सनालिटी. सब कुछ, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है. 9 नंबर वालों के लिए तो वैसे भी एक बात बोलती हूं, यू हेट देम और यू लव देम, वट एवर, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम. आग हैं ये लोग, आप चाहे इनको पसंद करें या इनको पसंद ना करें, लेकिन आप इन्हें नोटिस ना करें, इट इज इम्पॉसिबल. लेकिन 9 और 6 वालों में एक बात जो सबसे प्रोमिनेंट होती है वो ये होती है कि जैसे इनके साथ आप करोगे ये वैसे ही आपके साथ करेंगे. अगर आप इनके साथ अच्छे हो तो ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनके साथ बुरे हो तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा बुरे हैं. दे विल रेसिप्रोकेट द थिंग्स इन द सेम वे एज दे रिसीव इट. जैसा इनको मिलेगा ये डबल करके लौटा देंगे. अपने पास कुछ भी नहीं रखते, ना अच्छा ना बुरा. अच्छा होगा तो डबल करके लौटाएंगे, बुरा होगा तो ट्रिपल करके लौटा देंगे. जैसे कि मैंने बोला कि पर्सनालिटी बहुत गजब की होती है इनकी. अगर ये लड़कियां हैं तो लड़कों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगी. और
ऐसे लोग ना अपने अपना पैसा बहुत ही ग्रैंड लाविश तरीके से खर्च करते हैं, मतलब बहुत खर्चीले होते हैं और हमेशा लाविश चीजों के ऊपर, लग्जरीज के ऊपर इनका खर्चा ज्यादा होता है। अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं होगा ना तो उधार ले लेके खर्चा करेंगे, लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट होगा तो ये अर्न करके खर्च करेंगे, लेकिन खर्च दोनों केस में करेंगे। लेकिन हाँ, नेम नंबर सही होगा तो एटलीस्ट वो खर्चा इनके काम आएगा, आगे चल के कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो अपना कितना बना बनाया एम्पायर लुटा सकते हैं। 9 और 6 होने की वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ 9 नंबर वाले बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, मतलब अपने दोस्तों के लिए या अपने जिन लोगों को ये अपना मानते हैं, बेसिकली जिन लोगों को ये अपना मानते हैं उन लोगों के लिए 9 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली दे आर सोल्जर्स। 9 नंबर को मैं हमेशा सोल्जर से कनेक्ट करती हूँ कि जैसे कि सोल्जर है, सामने वाला दुश्मन को मार रहा है एक तरफ, लेकिन अगर उसका साथी अगर फंस गया है तो बीच में जाकर अपनी जान पे खेलकर अपने साथी को बचाने का दम भी रखता है 9 नंबर। तो 9 नंबर इज अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा दिमाग में गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन वो जो एग्रेशन है, वो जो गुस्सा है, उसके साथ साथ वो ह्यूमैनिटी का नंबर भी है। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को दुश्मन मानते हैं अगर ये उनकी जान ले सकते हैं तो जिन लोगों को अपना मानते हैं उनके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं। ये एक्चुअली में 9 नंबर की अबंडेंस ऑफ एनर्जी की ये कहानी है सारी की सारी, कि 9 नंबर इस तरह का है। साथ में 6 नंबर होने की वजह से ये लोग काम तो करेंगे, लेकिन ये काम किस लिए करेंगे? बड़ा घर, अच्छा बड़ा, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दिन रात काम करेंगे। इनको चाहिए कि इनके पास सबसे अच्छा घर हो, इनको चाहिए इनके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, इनको चाहिए इनके पास सबसे अच्छी, अगर ये लड़के तो इनके पास सबसे अच्छी लड़की हो। तो एग्जैक्टली हर चीज सबसे बेस्ट चाहते हैं, लाविश चाहते हैं, ग्रैंड चाहते हैं, लग्जूरियस चाहते हैं। भगवान में विश्वास रखने वाला एक रिलीजियस सा अच्छा नंबर है ड्राइवर नंबर 9 और 6। अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है ना, ये एक्चुअली में सक्सेस के किसी भी हाइट्स को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो गलत लोगों की संगति में पड़ेंगे, गलत आदतों में इन्वॉल्व होंगे और अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, एक्चुअली में पैसा बर्बाद कर देंगे, इलीगल तरीके अपनाएंगे पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे, गलत आदतों में पड़कर मतलब फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेंगे अगर नेम नंबर सही नहीं है तो। मैं नेम नंबर के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने एक पूरा कोर्स डेवलप किया है जिससे आप अपने ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली का, रिलेटिव्स का, सबका नेम नंबर करेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, पूछना है कि किस तरह से आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इनके लिए सबसे अच्छे ब्रेसलेट्स हैं मदर ऑफ पर्ल्स पहने और साथ में ग्रीन एवेंट्रीन पहने विद नेचुरल क्वार्ट्ज एंड पंचमुखी रुद्राक्ष। ये चीज इनकी लाइफ में आने वाली हर तरह की स्ट्रगल को खत्म करके इनकी लाइफ को स्मूथ बनाएगी। साथ में अगर मैं बात करूं इनके लिए लकी नंबर्स के बारे में, तो इनके लकी नंबर्स हैं नंबर 1 एंड नंबर 5। इनके लकी कलर्स हैं रेड एंड ग्रीन। ऑफ कोर्स ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में मैं फिर बोलूंगी ग्रीन एवेंट्रीन विद नेचुरल क्वार्ट्ज एंड पंचमुखी रुद्राक्ष इनको इनकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट कर सकता है, वंडर्स, एक्चुअली में वंडर्स। बस शर्त सिर्फ एक है कि सही होना चाहिए, इसीलिए अगर आपको पता हो कि हाँ कहाँ से सही मिलता है वहां से लें, नहीं पता टेंशन मत लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके परचेज कर लो। इट्स अ it will create miracles in your life and you can watch those miracles। आप एक्चुअली में स्तब्ध रह जाएंगे अगर आप ये ब्रेसलेट पहनते हैं। 90 डेज के अंदर आपको आप उसके रिजल्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात करें इनके लिए ऐसे professions के बारे में जो इनके soul satisfying professions हैं, वो हैं किसी भी लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, कोई लग्जरी गुड्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं, शिपिंग का काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, पेंटर्स बन सकते हैं, या कोई भी कला से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।